हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्काईलाइन फाउंडेशन। अभी तक हमने ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक कंसेप्ट में आर्क एंगल को मेजर इन द फॉर्म इंग्लिश सिस्टम में कैसे मेजर किया जाता है, सर्कुलर सिस्टम में कैसे मेजर किया जाता है, ये देखा। आज हम एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्मिनोलॉजीज पढ़ने वाले हैं। चलो तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। रेशियोज ये वर्ड क्यों आया हम देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया है, ट्रायंगल ए बी सी, और हम यहाँ पे हम एंगल कंसीडर करेंगे थीटा, एंगल ए से थीटा। जब देखा गया कि हमने देखा था जैसे जैसे हमारे रे की पोजीशन चेंज होते जाएगी, मतलब रोटेशन चेंज होते जाएगा, हमारे थीटा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। मतलब जब हम ए को एट द एंगल थीटा पे कांस्टेंट रखेंगे और हम चेंज करेंगे परपेंडिकुलर साइड्स को, मतलब साइड बी सी इन द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, हमारा परपेंडिकुलर साइड है बी सी। जैसे हम ये परपेंडिकुलर साइड को आगे शिफ्ट करेंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे या फिर पीछे घटाते जाएंगे, मतलब यहाँ पे हम ये परपेंडिकुलर लाइन लेके गए और यहाँ और इधर शिफ्ट किया या फिर यहाँ पे शिफ्ट किया, तब भी हमारे साइड्स का रेशियो, इसलिए मैंने बोला था कि हम रेशियो पढ़ेंगे। साइड्स का रेशियो मतलब इन राइट एंगल ट्रायंगल अपोजिट हाइपोटेनियस एंड एडजेसेंट। साइड्स का रेशियो सपोज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड का रेशियो और अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो हमें कांस्टेंट देखने को मिलता है। इसलिए इन ट्रिग्नोमेट्री हम ये रेशियो को एक्सप्लेन करते हैं इन द ट्रिग्नोमेट्रिक टर्मिनोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट में। साइन, कोसेक, टैन, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक एंड कॉट, ये टर्मिनोलॉजीज यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक्सप्लेन करते हैं। चलो तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं एक एक टर्मिनोलॉजीज को एक्सप्लेन करना। साइन को रेशियो दिया गया फॉर एंगल थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। इन द राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी जब हम थीटा, ये थीटा एंगल से अपोजिट साइड देखते हैं तो वो साइड हो जाती है साइड बी सी, मतलब अपोजिट साइड, और हमारी हाइपोटेनियस हो जाती है साइड ए सी। सो साइन थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी अपॉन ए सी। वैसे ही हम आगे के टर्मिनोलॉजी देखें तो कॉस थीटा को एक्सप्लेन किया गया एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। इनर राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एडजेसेंट साइड है हमारी साइड ए बी, ए बी, और हमारी हाइपोटेनियस है ए सी, ए सी। वैसे ही टैन को एक्सप्लेन किया गया अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड बी सी अपॉन ए बी। सिमिलरली
हमें हमारे आगे की टर्मिनोलॉजीज कॉसेक कॉसेक को एक्सप्लेन किया गया इन द साइड्स रेशियो हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट हाइपोटेनियस ए सी अपॉन बी सी हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट ए सी अपॉन बी सी। वैसे ही सेक को किया गया सेक थीटा को एक्सप्लेन किया गया हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। हाइपोटेनियस साइड है हमारी ए सी अपॉन ए बी। और लास्ट में कॉट थीटा को एक्सप्लेन किया गया एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड मतलब ए बी अपॉन बी सी। सो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्मिनोलॉजीज में हमारे साइन कॉस टैन कॉसिक सेकेंड कॉट ये टर्मिनोलॉजीज को यही साइड के रेशियो को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया गया। और साइन कॉस टैन कॉसिक सेक कॉट ये कुछ अलग नाम ना होके ग्रीक नाम से इसको एक्सप्लेन किया गया है। सो यहाँ तक हमने पढ़ा कि ट्रिग्नोमेट्रिक की जो साइड्स की रेशियो होती है उसको ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्मिनोलॉजीज में कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। यही फ्रेंड्स की ये कंसेप्ट आपको मैथ्स और फिजिक्स में दोनों में भी काम आएंगे। सो होप सो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलो तो